अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कास्ट कश्मीर का जो आपने UET इंट्रेंस UG कोर्सेज का दिया उसके बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, सीट्स कितनी है, किस कोर्स में कट ऑफ ज़्यादा जाता है और किस कोर्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, रिजर्वेशन आपको किस कैटेगरी में कितनी मिलेगी, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर UET UG कोर्सेज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस कास्ट कश्मीर का जो कट ऑफ एनालिसिस होती है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसके पीछे के दो रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न ये होता है कि जो इस कास्ट कश्मीर का रिजल्ट होता है वो नीट की तरफ सेपरेट सेपरेट कैंडिडेट का निकलता है, यानी कि किसी को हमें पता नहीं चलता है कि किस रैंक तक के कैंडिडेट को कितने मार्क्स हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जिस तरह बोपी की फिर मेरिट लिस्ट आती है या नीट की भी फिर मेरिट लिस्ट आती है जेके बोपी की तरफ से सभी कैंडिडेट्स का उसमें नाम होता है, तो उससे क्या होता है कि जब कट ऑफ एनालिसिस करता होता है कोई यूट्यूबर तो उसको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और उसी की वजह से जो वो काफ़ी लगभग 70-80% कट ऑफ एनालिसिस होती है। जब इस कास्ट कश्मीर ने जाओ वो रिजल्ट का PDF ही नहीं जारी करते हैं, ठीक, वो सेपरेट सेपरेट कैंडिडेट का PDF निकालते हैं, मतलब रिजल्ट निकालते हैं। आप अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन करके वहाँ पे PDF निकाल सकते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट का जो फिर एक PDF आता है वो उस कास्ट कश्मीर वाले यहाँ पर रिलीज नहीं करते हैं, तो उसमें जो है वो कट ऑफ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। और उसके साथ का जो रीज़न दूसरा है वो ये है कि इस कास्ट कश्मीर में जो सिलेक्शन आपकी होती है उसके लिए भी सिलेक्शन की कोई भी लिस्ट यहाँ पर नहीं आती है, ठीक, ना आपकी मेरिट की लिस्ट आती है, मार्क्स की लिस्ट आती है और ना ही आपकी सिलेक्शन लिस्ट आती है। सिलेक्शन कैसे होती है, आप काउंसलिंग के लिए चले जाओगे वहीं पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, मतलब कि वहीं पे जो काउंसलिंग का हाल होता है उधर ही आपकी काउंसलिंग के लिए एक एक करके बुलाया जाता है और वहीं पे आपको कॉलेजेस भी दिए जाते हैं कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन हो गया, उधर ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज मुझे यहाँ पे मिला है। तो सिलेक्शन लिस्ट का भी कोई PDF आता नहीं है, मेरिट लिस्ट का भी कोई PDF आता नहीं है, तो इन दो रीजंस की वजह से इस कास्ट कश्मीर की कट ऑफ एनालिसिस जो होती है वो डिफिकल्ट ही नहीं वो इम्पॉसिबल होती है, ठीक। इसलिए अगर आप इधर उधर से भी कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 80% इसका कट ऑफ जाएगा, 60 इसका जाएगा, 30 इसका जाएगा, 20 इसका जाएगा, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है। जब तक ना आपके पास सिलेक्शन लिस्ट हो उसके साथ साथ मेरिट लिस्ट सभी कैंडिडेट्स की हो तब तक कट ऑफ एनालिसिस करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो वीडियोज़ वगैरह देख के आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जाना, बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे नहीं ले लेना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस कास्ट कश्मीर के थोड़ा सा जो हम आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देंगे या थोड़ा सा जो हम आपको रेंज बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सीट्स की, तो इस बार कास्ट कश्मीर में सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो इस बार टोटल सीट्स जो कास्ट कश्मीर में है सारी कोर्सेज के लिए वो है 774 सीट्स, यानी कि इस बार जो वो लास्ट ईयर से कुछ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 774 सीट्स हैं। इसमें अगर आप कोर्सेज की बात करें तो इसमें BBSC है, BSc इन एग्रीकल्चर साइंस है, BSc इन फॉरेस्ट्री है, BSc इन हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद BTech फूड टेक्नोलॉजी है, BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर, BFSC है, उसके बाद BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जिसकी अलग जो है वो JEE के बेस पे होगी, ये BOPI के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाली है। अब देखिए इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसी कोर्स में जाता है जो कोर्स अच्छा होगा और जिसके लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो किस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वो रहा आपका BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, BVSC वेटरनरी साइंस जो कोर्स हमारा होता है, हर स्टूडेंट जो भी इस कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस देता है उसका कहीं ना कहीं टारगेट पहले नंबर पर होता है BVSC, ठीक। इसलिए इस कोर्स का जो कट ऑफ होता है ये काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो लास्ट ईयर की अगर मैं BVSC के कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर अराउंड ओपन मेरिट में 105 कट ऑफ गया था BVSC के लिए, और BVSC की जो सीट्स होती हैं ये पहले राउंड में ही फिलअप हो जाती हैं मैक्सिमम, उसके बाद अगर कुछ थोड़ी सी सीट्स बची तो वो सेकंड राउंड में यहाँ पे फिलअप हो जाती हैं, उसके बाद BVSC की सीट्स यहाँ पे नहीं बचती हैं, ठीक। BVSC में आपको सेल्फ फाइनेंस भी देखने को मिलेगा, उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर जो BVSC का ओपन मेरिट में कट ऑफ गया था वो लगभग 105 के आसपास गया था और उसके बाद बाकी रिजर्वेड कैटेगरीज का 100 के आसपास जो है यहाँ पे कट ऑफ रहता है, ठीक। तो इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो कास्ट कश्मीर का पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो मान के चलिए अगर आपका कास्ट कश्मीर में 100 के प्लस स्कोर आ रहा है तो आप BVSC को एक्सपेक्ट कर सकते हो कास्ट कश्मीर के अंडर। बाकी मैंने आपको पहले बोला एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्या इम्पॉसिबल है क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती है, मेरिट लिस्ट नहीं आती है, लेकिन BVSC का हमें पता है लास्ट ईयर जो स्टूडेंट गए थे तो उन्होंने वहीं पर बोला था कि इतना कट ऑफ जब इसका गया था, ठीक, जब उसको हमने देखा था हमारे पास जब उसका फोटो वगैरह आया था तो हमने लास्ट ईयर ही आपको बोला था कि इतना BVSC का गया था, तो उसकी सीट जो वो पहले राउंड में मैक्सिमम फिल हुई थी, फिर कुछ थोड़ी सी अगर बच भी जाती हैं तो वो सेकंड राउंड में यहाँ पे फिलअप होती हैं। तो BVSC के लिए आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो लगभग 100 के प्लस रहेगा, तो 100 के प्लस अगर आपका है, वैसे 105 के प्लस होना चाहिए, 100 के प्लस भी अगर आपका है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि BVSC जो है वो मुझे यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद बाकी के कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो बाकी के कोर्सेज में यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है, ठीक। तो बाकी जो कोर्सेज हमारे रहते हैं तो उनमें जो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक, BVSC के बाद जिस कोर्स का कट ऑफ जाता है वो है आपका BSc इन एग्रीकल्चर साइंस, ठीक। BSc इन एग्रीकल्चर में भी जो
है वो काफ़ी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि एग्रीकल्चर मिल जाए, बाकी फॉरेस्ट्री फिशरीज़ वगैरह जो होती है उनमें थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है। तो देखिए बाकी कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ BBSC को छोड़ के, उसमें जो है वो मैंने पहले ही बोला उस सिलेक्शन लिस्ट तो आती नहीं, तो एग्जैक्ट एनालिसिस मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपका 60 के प्लस स्कोर जाता है तो आप जो वो चांसेस हैं उन कोर्सेज को मिलने के, बाकी अगर उनसे बिलो भी है तो कोई भी इशू नहीं है, आपको बुलाया जाएगा। वैसे लास्ट ईयर जो वो लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट के जिनके पॉइंट्स थे उनको काउंसलिंग के लिए वहाँ पे बुलाया था, लेकिन 60 के प्लस अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी के कोर्सेज मुझे मिल सकता है कोई ना कोई, सेफ आपका है 60 के प्लस, ठीक। लेकिन BBSC की अगर मैं बात करूँ तो 105 या 100 के आसपास आपका स्कोर है तो आप BBSC को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, कि अगर आपका इसके बिलो भी है 50 है 45 है तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एग्जैक्ट एनालिसिस डिफिकल्ट है, मैं एनालिसिस कट ऑफ की नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ, वो आपको जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी उस टाइम आपको पता चलेगा और हम भी आपको उस टाइम बता देंगे। वैसे 50 के प्लस कैंडिडेट्स जिनके पॉइंट्स होते हैं उनको पहले राउंड में बुलाया जाएगा, वैसे लास्ट आई थिंक 60 के प्लस पॉइंट्स के कैंडिडेट्स को पहले राउंड में बुलाया था, फिर 50 गया था, तो उसके बाद फिर वो 10-10 पॉइंट्स नीचे करते हैं जितने भी राउंड होंगे जिस हिसाब से सीट्स होंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका रहेगा। तो एग्जैक्ट एनालिसिस कट ऑफ की डिफिकल्टी है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो भी आपका स्कोर है जितना भी आपका स्कोर है आप काउंसलिंग के लिए वेट करो, काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट वहां पे कर लो। अभी हमें पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, सीट्स तो हमारे पास हैं, स्कोर कितना है किस किस कैंडिडेट का वो भी हमारे पास नहीं है, तो एग्जैक्ट एनालिसिस हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको रेंज बता रहा हूं किसके प्लस है तो आपको जो है वो चांसेस है यहां पे मिलने के, बाकी बिलो भी है तो भी पार्टिसिपेट कर लेना कोई इशू नहीं, तो भी मिल सकता है आपको कॉलेज, अगर कैंडिडेट कम हुए तो मिल जाएगा आपका कॉलेज, कोई इशू यहां पे नहीं है। तो BBSC की अगर मैं बात करूं सेल्फ फाइनेंस के लिए तो उसमें भी आपको लगभग 85 के प्लस स्कोर होना चाहिए या 80 के प्लस भी है तब भी आप सोच सकते हो कि हाँ मिल सकता है, ठीक, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में भी इस पे सीट्स होते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट यहाँ पे जाते हैं, ठीक। तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी रेंज बता दी, तो अभी थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में पता चल गया होगा, तो बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ की एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, वीडियोज़ वगैरह देख के कट ऑफ वगैरह देख के कहीं भी वेबसाइट पर देख के परेशान बिल्कुल भी मत हो जाना, वेट कर लो, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, वहीं पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अब अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो रिजर्वेशन आपको जो सीट्स हैं 774 में से 54% सीट्स होंगे वो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, उसके बाद SC के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 8% सीट्स यहाँ पे रहेंगी, ST के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 10% सीट रिजर्व रहेंगी, OSC में यहाँ पे 4% रिजर्व रहेंगे, LC IB के लिए यहाँ पे आपके 4% सीट्स रहेंगे, उसके बाद RBA के लिए यहाँ पे 10%, PSP के लिए 4%, CDP कैटेगरी के लिए 3%, JKPM के लिए यहाँ पे 1%, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 2% सीट्स रिजर्व रहेंगी आप कैंडिडेट्स के लिए, ठीक। तो मैंने आपको सारा कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, सीट्स के बारे में भी बता दिया और रिजर्वेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर लेंगे, कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।